हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर और मैं हूँ रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे औसत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। यदि आप लोग औसत का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में एवरेज सर्च मारिए, आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सेक्शन ए में 36 छात्रों का औसत अंक 86% है और सेक्शन बी में 24 छात्रों का औसत 96% है। तो हमसे कह रहा है कि सेक्शन ए और बी के मिलाकर सभी छात्रों का औसत अंक ज्ञात करें। हमको कह रहा है कि औसत अंक ज्ञात करने के लिए, इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो जब कभी भी ऐसा टाइप का प्रश्न है ना कि ए में इतना छात्र है या इतना वस्तु है और उसका औसत इतना है, बी में इतना है व्यक्ति है या वस्तु है उसका औसत इतना है, तो दोनों को मिला के औसत कितना होगा, हमसे ऐसा पूछ दे तो क्या करिए कि औसत बराबर इसमें कितना छात्र है, 36 गो, तो 36 आ गुना कर दीजिए उसका औसत से, तो 86% है, तो 86 प्लस कितना छात्र है, 24, तो 24 है अगुना, इसका औसत कितना है, 96, तो 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बटा कुल संख्या से भागा दे दीजिए, तो कितना है, ए में 36 को छात्र है, बी में 24 को, तो 36 प्लस 24 करके भाग दे दीजिए, हो गया। 36 गुने 86 कितना होगा, 3096 हो जाएगा, ठीक है। और 24 गुने 96 कितना होगा, तो 2304 होगा। अब बटा 36 और 24, 36 और 40 20 60, जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ के जब भागा दीजिएगा तो यहाँ से मान आ जाएगा 90%, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जोड़ के भागा दीजिएगा तो यहाँ से 90% आएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बात देखिए, इसको हम कैसे किए सो देख लीजिए, आगे बेसिक जान लीजिए कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग, जितना संख्या सबको जोड़ दीजिए आ बटा क्या करिए कुल संख्या से भागा दे दीजिए, कुल संख्या से भागा दे दीजिए कि के को संख्या है, और जिसे मैं कोई दे दे कि 5 3 4 7 8 9 इसका औसत बताइए, तो क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, आ भागा किसे देंगे, तो भागा देंगे यहाँ देख लेंगे कि के को संख्या है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो 6 से भाग देंगे। तो कभी भी जब योग निकालना हो तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत गुणे कुल संख्या, तो वही यहाँ पर किए, योग निकालना हो तो औसत गुणे कुल संख्या, तो यहाँ पर 36 को संख्या है, औसत 86 है, यहाँ पर 24 है गुणे 96, तो योग आ गया, तो योग बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है, 36 प्लस 24, तब औसत इसी तरह से बनाते हैं। चाहे डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए कि संख्या गुणे औसत प्लस संख्या गुणे औसत बटा कुल संख्या से भागा दे दीजिए, औसत आराम से निकल जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा एक्स के अनुभाग ए के 32 लड़कों के अंकों का औसत 60 है। कक्षा जो एक्स है, कक्षा 10वां के अनुभाग ए के 32 लड़कों का औसत 60 है, जबकि कक्षा एक्स के अनुभाग बी के 40 लड़कों का औसत 33 है। तो हमको कह रहा है कि दोनों अनुभागों के मिलाने पर अंकों का औसत कितना होगा, तो हमसे औसत पूछ रहा है किसका, दोनों के मिलाकर, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग सीखे कॉन्सेप्ट कि औसत बराबर जितना संख्या है, कक्षा ए में कितना संख्या है, 32, औसत कितना है 60, तो गुना कर दिए 60 प्लस कक्षा एक्स के बी में कितना है, 40 लड़का है, औसत 33 है, तो 40 गुने 33। यदि कक्षा फिर सी रहता है, अनुभाग सी रहता है, तो उसका भी क्या करते हैं, जितना संख्या है उसका औसत से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अब बटा क्या करते हैं करेंगे कुल संख्या से भाग देंगे, तो पहला में 32 गो लड़का है और दूसरा में 40, तो 32 प्लस 40 जोड़ देंगे। यहाँ से 32 गुने 60 कितना हो जाएगा, 2 6 12 के हाथ में कैरी 1 और 3 6 18 1 192 और 0 लास्ट में लगा दीजिए, 3 6 12 के हाथ में कैरी 1 और 3 6 12 1 1320, अब बटा कितना हो गया यहाँ से 32 और 40 72, यहाँ से जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3240 अब बटा 72, तो 72 से इसको भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45, देख देख लीजिए, 7 5 7 28 और 2 6 करिएगा तो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 45, और नहीं हो रहा है तो देख लीजिए 72 से
3240 करना है ना, तो चार मरतबे करते हैं, 72 चक कितना होता है, 2 चक 8 और 7 चक 28, 288, तो चार मरतबे 288, चार में से जाएगा नहीं तो 14 में 60 गया तो 6, एक बच गया तो 11 में 60 गया तो 3, यहाँ से खत्म 360 है। 72 × 5 = 360 होता है कि नहीं होता है, 72 × 5 5 × 2 = 10, हाथ में करिए 7 × 5 = 35 और 1 = 36, यहाँ से आ गया ना 5 = 45, यहाँ क्या हुआ 360 खत्म हो गया, यहाँ से 45 आ गया ना, इसका औसत कितना हो गया 45 हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए तथा बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी तथा सी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 से कम है, मतलब कि इसका जो औसत है और इसका औसत से 15 कम है, कौन ए प्लस बी का, ए तथा बी का औसत। तो हमको कह रहा है कि यदि सी द्वारा प्राप्त अंक 65 है तो ए द्वारा प्राप्त अंक क्या है, हमसे ए का मान पूछा है कि इसमें कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे सो देखिए, हमसे पूछा है क्या कि ए बराबर वाट, कभी भी लिख लीजिए कि जिसका पूछ रहा है ना उसका मान कि क्या हमसे पूछ रहा है। तो क्या करें, ए तथा बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, मतलब कि ए प्लस बी, ए और बी का औसत कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अभागा 2, हम लोग क्या जानते हैं औसत बराबर सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या है 2 है। ए तथा बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी तथा सी द्वारा प्राप्त अंक अंकों का औसत, तो औसत कितना हो जाएगा बी प्लस सी बटा 2 से 15 कम है, कौन ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या होगा दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, ए प्लस बी भागा 2 बराबर 2 इधर जाएगा तो क्या होगा नीचे 2 एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे हो गया बी प्लस सी, यहाँ पर बटा में 1 था तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया सी माइनस 30, और सी का मान कितना दिया हुआ है कि यदि सी द्वारा प्राप्त अंक 65 है तो सी का मान 65 पुट कर दीजिए, तो ए बराबर 65 - 30 कितना आ गया, ए का वैल्यू 35, 65 में से 30 जाता है तो कितना बता है 35, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 रुपये है, मतलब कि एक फैक्ट्री में बहुत लोग काम कर रहा है तो सबको जो है मिलाकर 1534 रुपये दिया जा रहा है, एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118 रुपये है, मतलब कि एक कामगार एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका साप्ताहिक औसत जो वेतन है उसका 118 रुपये है। तो हमसे पूछा कि फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितनी है, अब सोचिए आप कि एक व्यक्ति जो है एक सप्ताह में 118 रुपया ले रहा है और कुल 1534 रुपया दिया जा रहा है, तो कितना, तो हमको क्या पता चल जाएगा एक व्यक्ति 118 रुपया कमा रहा है एक सप्ताह में और टोटल 1534 रुपया दिया जा रहा है, तो यहाँ से हमको संख्या निकालना होगा कितना व्यक्ति काम कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे 1534 / 118 कर देंगे ना, तो हमको क्या पता चल जाएगा यहाँ पर कि के को काम कर रहा है, तभी ना पता चलेगा कि 118 × इतना व्यक्ति काम कर रहा है तब जाके इतना होगा, तो 1534 / 118 कितना हो जाएगा यहाँ से 13 हो जाएगा, तो यहाँ से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 118 में यदि 13 से गुना करिए तो 1534, तो चाहे तो ऐसे गुना करिए या डायरेक्ट भागा कर दीजिए, तो भागा करना ही आसान होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा कि 15 पूरा व्यक्ति को मिलाकर 1534 रुपया मिल रहा है, एक व्यक्ति को 118 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ से पता चल गया कि हम कितना व्यक्ति को खटा रहे हैं, तो 1534 / 118 कर दिए। अब आप सोचिए, इससे समझ में नहीं आ रहा है, आप सोचिए कि एक कोई लेबर को रखे हैं जिसका वेतन है 20 रुपया और टोटल आप उसको दिन भर में 60 रुपया दे रहे हैं, तो क्या करिएगा, कैसे पता चलेगा कि आप कि को आदमी को खटाएं, तो क्या करिएगा 60 / 20 तो कितना हो गया 3, या टोटल आप 60 रुपया उसको दिए और 20 रुपया एक व्यक्ति का है, तो 60 लाने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो इसके लिए गुना का अच्छा है कि भागा कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है, मतलब कि 100 कामगार काम कर रहा है, 100 व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका औसत आयु जो है 36.5 है, उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 है, पुरुष के जो औसत आयु है 45 और स्त्रियों की 28 है, तो हमारा हमको कह रहा है कि तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है, मतलब कि हमको से पूछ रहा है कि स्त्री की संख्या कितनी है, तो ये जो प्रश्न है वो मिश्रण का प्रश्न है, ठीक है, मिश्रण, तो इसको कैसे बनाते हैं मिश्रण का कभी भी प्रश्न सो देखिए,
यहाँ पर क्या है, पुरुषों और स्त्री है, तो दो लोग हैं, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री है, ठीक है। पुरुष का औसत आयु कितना है 45, तो 45, स्त्रियों का औसत आयु 28 है। आ 100 का मगर आ दोनों के मिला के औसत आयु कितना है 36.5 है, तो इसको बीच में लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 36.5 क्या है, स्त्री का औसत से ज्यादा है लेकिन पुरुष की स्त्री औसत से कम है, तो इसी से समझना है कि ये क्या है, मिश्रण का प्रश्न है। जब एक से ज्यादा और दूसरे से कम हो तो उसी समय समझ आना कि मिश्रण का ये प्रश्न है। इसके लिए क्या करते हैं कि इसको माइनस इसको कर दीजिए, इधर लिख दीजिए, इसको माइनस इसको इधर लिख दीजिए, और कभी भी बड़ा में से छोटा को घटाइए, तो 36.5 आ माइनस 28 कितना बचेगा, 8.5 बचेगा, तो इधर लिख देंगे। 45 माइनस 36.5 कितना बचेगा, 8.5, तो इधर लिंक देंगे 8.5। तो यहाँ से पता चल गया क्या कि ये दोनों का संख्या जो है 8.5 में, मतलब कि बराबर है, मतलब कि दोनों के संख्या का अनुपात कितना है, 1:1 में है। हमसे क्या पूछा है कि स्त्रियों की संख्या कितनी है, पुरुष का भी अनुपात कितना है, 1:1 में दोनों है, तो स्त्री के संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, उसका अनुपात कितना है, 1 बटा कुल, तो 1+1 2 आ गुणे कुल संख्या, तो 100 का मगर काम करें तो गुना 100 कर देंगे, तो 2 से कितना मतलब कटेगा, 50। तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 50 है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। या हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि दोनों की संख्या पता चल गया कि ये जो है 1:1 में है, मतलब क्या टोटल 100 काम कर रहा है, तो मतलब क्या है 50 पुरुष है 50 स्त्री है, डायरेक्ट हम लोग कह सकते थे। लेकिन कहीं पर 1:2 में रहा है, तो इस 1:4 में रहा है, तो इसके लिए यही मेथड लागू होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 30 है। 100 उम्मीदवार परीक्षा दे रहा है तो उसका प्राप्त अंक जो है 30 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अंकों का औसत 35 है, मतलब कि जो परीक्षा में पास हो जा रहा है उसका औसत कितना है 35, और अनुत्तीर्ण जो परीक्षा में फेल हो जा रहा है उस उम्मीदवारों का औसत कितना है 10 है। तो हमसे कह रहा है कि तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, हमसे संख्या पूछ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, 100 देखिए। तो यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं, उत्तीर्ण लोग हैं और अनुत्तीर्ण लोग हैं, पास और फेल लोग हैं, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत कितना है 35 है, और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 10 है, और किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, और 100 लड़के का औसत कितना है, 100 जो है पूरे छात्र को औसत कितना है 30, तो इसको बीच में लिख दीजिए। अब देखिए एक से ज्यादा एक से कम है, तो ये मिश्रण का प्रश्न हो गया। तो क्या है, 30 जो है 35 से कम है लेकिन 10 से ज्यादा है, तो मतलब ये मिश्रण का प्रश्न है, इसको तिरछा तिरछी कर दीजिए। 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 20, और 35 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 से ये 4 मरतबे कट गया, तो यहाँ पर पता चल गया कि 4:1 में है, मतलब कि उत्तीर्ण छात्र 4 गो है तो अनुत्तीर्ण छात्र 1 गो है। तो हमसे पूछ रहा है कि उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की, तो उत्तीर्ण की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, उत्तीर्ण की संख्या बराबर कभी भी अनुपात में दिया हो तो क्या है, उत्तीर्ण का अनुपात कितना है 4 बटा 4+1 कितना 5, अगुने कितना उम्मीदवार टोटल है तो 100, तो 5 से कितना मरतबे 20 मरतबे कट गया, 20 जा 80, तो यहाँ से पता चल गया कि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है 80 है। अनुत्तीर्ण के लिए डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि टोटल 100 को उम्मीदवार था 80 को पास कर गया, तो 20 को फेल किया है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अनुत्तीर्ण की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, अनुत्तीर्ण का अनुपात कितना है 1 है बटा 4+1 5 अगुने 100, तो 5 से कितने मरतबे कट गया 20 मरतबे, तो अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है यहाँ से 20 है, तो पास हो रहा है 80 को और फेल हो रहा है 20 को। यहाँ पे तो हमसे पूछा है क्या उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, यहाँ से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।